ये एमबीटी अर्जुन टैंक जिसको सीवीआरडी चेन्नई के द्वारा बनाया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। इस टैंक का टोटल वेट 58.5 टन है। किसी भी टैंक की काबिलियत का अंदाजा लगाने के लिए तीन चीज़ों का अनुमान लगाया जाता है, उसकी फायर पावर, मोबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। एमबीटी अर्जुन टैंक अपने तीनों ही पैरामीटर्स के ऊपर इतना अव्वल है कि इसकी वजह से ये इंडिया का मुख्य युद्धक टैंक होने के साथ साथ वर्ल्ड के बेहतरीन टैंकों में से एक है। इस टैंक की काबिलियत डेप्थ क्रॉसिंग के लिए 2.15 मीटर तक है, जो कि दो टाइप से की जाती है, 1.5 मीटर तक विदाउट प्रिपरेशन एंड 2.5 मीटर तक विद प्रिपरेशन। साथ ही इस टैंक के अंदर 1400 हॉर्स पावर का एक दमदार इंजन लगाया गया है और ऑटो ट्रांसमिशन का बंदोबस्त किया गया है। ट्रांसमिशन का ऑटो होने की वजह से इसकी मोबिलिटी बहुत फास्ट हो जाती है, दूसरा ड्राइवर को इसको ड्राइव करना बहुत आसान हो जाता है। इस टैंक के अंदर दो टाइप के आर्मामेंट्स लगाए गए हैं, सबसे पहले 120 mm राइफल्ड गन मेन आर्मामेंट, दूसरा सेकेंडरी आर्मामेंट्स जिसके अंदर 12.7 mm NSVT जो एंटी एयरक्राफ्ट के लगाया गया है, जिसका एयरक्राफ्ट के लिए रेंज 1500 मीटर है और ग्राउंड के लिए रेंज 2000 मीटर है। साथ ही इसमें कोएक्सल गन 7.62 mm लगाया गया है, जिसका टोटल रेंज 1800 मीटर तक है, जो कि सॉफ्ट टारगेट को बर्बाद करने के काम आता है। इसके अंदर मेन गन के 39 राउंड्स आते हैं और एंटी एयरक्राफ्ट के 420 राउंड आते हैं और कोएक्सल गन के इसमें 3055 राउंड रखे जाते हैं। लड़ाई के समय एमबीटी अर्जुन टैंक दुश्मन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और जो एयरक्राफ्ट हैं दुश्मन को उसको उड़ाने के लिए इसमें स्पेशल एक गन भी इंस्टॉल की गई है, उससे कितना और खतरनाक हो जाता है? सर, ये जो टैंक है ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टैंक है। इसके अंदर जो एंटी एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 12.7 NSVT लगाई गई है, जो कि दुश्मन के हेफ्टर्स को चंद सेकेंड के अंदर एक्वा करके और बर्बाद करने की काबिलियत रखता है, जो कि 1500 मीटर तक हाइट तक फायर करता है। और दूसरा, अगर कोएक्सल गन की बात करें तो जो सॉफ्ट टारगेट्स के लिए होती है वो 1800 मीटर तक दुश्मन को बर्बाद करने की काबिलियत रखती है। एमबीटी अर्जुन इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट आर्मर इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी और इट्स फायर पावर। इट हैज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन इन द वर्ल्ड विद 1400 हॉर्स पावर ऑफ एन इंजन एंड एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सो इट कैन ट्रैवर्स एनी काइंड ऑफ टेरेन इन एनी वेदर कंडीशन, वेदर बी डे और नाइट। And in terms of its fire power, it can fire multiple kinds of ammunition and can engage any weapon system of the enemy from 2-3 kilometers. PMP-2 Sarat multi-train amphibious vehicle है, जो कि हर ट्रेन में बहुत ही आसानी से काम करने में सक्षम है। इसकी ऑन रोड स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, डेजर्ट में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से और पानी में साथ ही 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने में सक्षम है। ये वाटर ऑब्स्टिकल्स, डिच ऑब्स्टिकल्स और वर्टिकल ऑब्स्टिकल को आसानी से पार करने की क्षमता रखता है। साथ ही युद्ध के मैदान में दुश्मन को बर्बाद करने के लिए इसमें मिसाइल कॉन्क्रोजम ATGM सेकेंड जनरेशन मिसाइल का बंदोबस्त है, जो दुश्मन के टैंक टारगेट को 4 किलोमीटर पर बर्बाद करने में सक्षम है। साथ ही दुश्मन के सॉफ्ट स्किन टारगेट, एरियल टारगेट को भी 2-4 किलोमीटर बर्बाद करने में सक्षम है। दुश्मन की पैदल सेना को साथ ही 2 किलोमीटर पर बर्बाद करने में सक्षम रखता है। युद्ध के मैदान में अगर ज़रूरत पड़े तो इस टैंक को एयरलिफ्ट और एयर ड्रॉप भी करने में ये सक्षम है और हर ट्रेन में काम करने में सक्षम रहता है। एक ज़रूरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, PMP-2 है, एक गन भी लगाई गई है, क्या ये नाइट में भी ऑपरेट हो सकता है और एंटी एयरक्राफ्ट गन कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, ये इसमें नाइट विजन थर्मल इमेजर साइट का बंदोबस्त है, जो दिन और रात के समय दुश्मन को दिन की तरह ही रात को भी बर्बाद करने में पूर्ण तरह से सक्षम है।